हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पे भी, जिसका नाम है कॉमर्स ई पाठशाला। आई होप कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, है ना? तो ये क्या होता है, ये ऑफिस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना पड़ेगा, जो की है कॉमर्स ई पाठशाला। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखेगा, जिस ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप बीकॉम का जो हमारा मेंबरशिप प्लान है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको फ्री में असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे जो नोट्स हैं वो भी लो कॉस्ट पे मिलेंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको हर एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एज ए स्टूडेंट, जो जिस चीज की भी आपकी दरकार होगी। आपको बस हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद हमारे इस व्हाट्सएप लिंक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आपको हमारा जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, आपको उसे ज्वाइन करना है। वहां से आपको जो है ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी जो भी एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, राइट? तो आगे चलते हैं। उसके पहले एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट बना हुआ है इग्नू बीकॉम न्यू बोल करके, यहाँ पे आपको सारी की सारी आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि आपके सेकंड ईयर में है, राइट? ये सारी की सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे चैनल के द्वारा। ये सारी की सारी बेनिफिट जो आपको हमारे हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नाउ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 211-212 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एक्सपर्ट्स from financial sector, capital market, accounting, forensic, audit, taxation, law, information technology, company law, customs and investigation. तो ये एक ऑफिस है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एक ऑफिस है, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, जो उसके दो सेक्शंस हैं 211 और 212, उसके तहत इसको बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मिल करके काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल सेक्टर से, कैपिटल मार्केट से, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, ऑडिट, टैक्सेशन, ये वो सारे क्षेत्र हैं जहां से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, और बुला करके सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है बनाया गया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 211-212, ठीक है ना? तो SFIO क्या होता है, कैसे बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। दिस ऑफिस इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड्स रिलेटिंग टू कंपनी। इसके पास पावर्स होते हैं कि ये किसी भी तरह का फ्रॉड अगर होता है किसी कंपनी में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस करता है। वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफिस। जैसा कि आपको पता भी होगा कि अभी रिसेंट में ABG नाम की जो शिपयार्ड कंपनी थी गुजरात की, उसने एक बहुत ही बड़ा घोटाला किया है 22,000 तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए का। तो जहां पे वहां पे भी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने काम करा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो भी जो इशू है वो कंपनी फ्रॉड से रिलेटेड है। इट मे असाइन द इन्वेस्टिगेशन टू सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक द असाइनमेंट टू दिस ऑफिस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब किस तरह के केसेस में जो है SFIO को एंगेज किया जा सकता है, या किस तरह के केसेस में SFIO काम करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं कि इस तरह की चीजों में जो है इनको एंगेज किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। अगर ये लोग SFIO किसी भी तरह का रिपोर्ट रिसीव करते हैं रजिस्ट्रार के पास से या इंस्पेक्टर के पास से, तो SFIO के लोगों को एंगेज किया जा सकता है कि वो इस तरीके के फ्रॉड को एक तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ऑन इंटीमेशन ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी दैट इट्स अफेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब कोई कंपनी अगर चाहती है तो वो रिजोल्यूशन पास कर सकती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकती है, जहाँ पे वो डिमांड कर सकती है कि जो उसके स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो उनका काम है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो SFIO यहाँ पे काम कर सकती है। इन द पब्लिक इंटरेस्ट, SFIO समटाइम्स पब्लिक इंटरेस्ट में भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी, कोई कंपनी उसको बोलेगी तो ही वो काम करेगी, वो चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी आ करके आपकी कंपनी की छानबीन कर सकती है। ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं SFIO की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो डेफिनेटली आकर के इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो करते हैं।
It has exclusive jurisdiction, and once a case has been assigned to SFIO, no other agency shall initiate or proceed with investigation. कोई केस जब SFIO को दिया जाता है, जब उसको असाइन किया जाता है, तो कोई और एजेंसी इस केस को नहीं ले ले सकती, और SFIO इसके ऊपर एक तरीके से सोल एक तरीके से काम करती है, बहुत ही आसानी से काम करती है. इट हैज अ पावर टू अरेस्ट एंड सीक इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द फ्रॉड. इसके पास ये पावर्स होते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से अरेस्ट कर सकती है, उसको एक तरीके से उसके उसके पास से इंफॉर्मेशन वो चाह सकती है, अगर वो चाहे तो इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है, एक्सप्लेनेशन मांग सकती है किसी व्यक्ति से, अगर उसको लगता है कि इस व्यक्ति ने किसी भी तरह का फ्रॉड कमिट करा है. तो आई होप कि आपको SFIO क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना. अगर नहीं समझ में आया, कुछ आपको दिक्कत हो रही है, किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो भी मिलती रहे. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखो. बाय बाय. थैंक यू.